नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर बीते दिन आए कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। अब वेब मीडिया को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन। मशरूम उत्पादन में बिहार पहुंचा नंबर 3 पर। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बाढ़ के प्रभाव को कम करने की होगी तैयारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजन करवाया गया था, जहां पर कुल मिलाकर 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। पटना जिले के पटना सदर, फुलवारी शरीफ और दानापुर में पका हुआ खाना परोसा जाएगा। मिड डे मील के तहत भोजन तैयार किए जाएंगे। 0 से 18 साल के अनाथ बच्चों के लिए नई योजना बनाई जाएगी। बाल सहायक योजना का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनी किट योजना और बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को अनुदान देने की योजना पर काम किया जाएगा। राज्य के 8 केंद्रीय कारा में 50 क्षमता के पुरुष के कक्षपाल बैरक और 30 क्षमता के महिला कक्षपाल बैरक निर्माण के लिए 32,56,00,000 की स्वीकृति। सुपौल में डगमारा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 700 करोड़ राशि की स्वीकृति समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में कोविड-19 के मिले एक बार फिर से 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1174 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,250 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 23, अरवल में 11, औरंगाबाद में 8, बांका में 5, बेगूसराय में 64, भागलपुर में 25, भोजपुर में 10, बक्सर में 11, दरभंगा में 33, ईस्ट चंपारण में 30, गया में 20, गोपालगंज में 40, जमुई में 10, जहानाबाद में 6, कैमूर में 1, कटिहार में 62, खगड़िया में 13, किशनगंज में 33, लखीसराय में 16, मधेपुरा में 24, मधुबनी में 26, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 56, नालंदा में 44, नवादा में 15, पटना में 132, पूर्णिया में 72, रोहतास में 18, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 35, सारण में 38, शेखपुरा में 5, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 34, सुपौल में 44, वैशाली में 30 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 17 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3100 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही बीते दिन 108,347 सैंपल की जांच की गई। ब्लैक फंगस और कोविड-19 को लेकर बिहार में 4 IAS अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। बीते दिन बिहार में ब्लैक फंगस और कोविड-19 के मामलों को लगातार बढ़ता देखकर राज्य सरकार की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया गया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक 2003 बैच के IAS अफसर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को 31 मई तक OSD के रूप में स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया गया है। साथ ही सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई को लेकर पटना के 3 बड़े अस्पतालों में भी IAS अफसरों की नियुक्ति की है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को पटना PMCH, समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को पटना एम्स और उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक पंकज दीक्षित को NMCH में तैनात किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने निकाला बीच का रास्ता। कोविड-19 संक्रमण के बीच बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। इस महीने 15 जून को सभी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, जिसके तहत नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का अब नहीं किया जाएगा, जिससे वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को राहत मिले की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लेकिन परामर्श समिति में अफसरों और विधायकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कोर्स में जल जीवन हरियाली को किया जाएगा शामिल। बिहार में अब छात्रों को जल जीवन हरियाली से जुड़ी जानकारी उनके कोर्स में ही मिलने वाली है। शिक्षा विभाग लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। सबसे पहला और अहम निर्णय यही होगा कि राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान को विश्वविद्यालय की डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उच्च स्तरीय विचार मंथन के बाद इस तैयारी को पूरी कर ली है। लॉकडाउन हटने के बाद इस संबंध में औपचारिक घोषणा तय मानी जा रही है। जानकारों की माने तो ऐसे निजी कॉलेज और सरकारी कॉलेज में पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा, जहां छात्र छात्राओं की संख्या काफी अधिक है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1987 में बिहार में हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म दबंग में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। सोनाक्षी सिन्हा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म भी बिहार में हुआ था। वहीं सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो सोनाक्षी ने मुंबई में आर्य विद्या मंदिर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और श्रीमती नाथाबाई दामोदर महिला विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब तक सोनाक्षी ने कई फिल्मों में काम किया है, जिसके तहत उन्होंने कलंक, आर राजकुमार, राउडी राठौर जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया है। मशरूम उत्पादन में बिहार पहुंचा नंबर 3 पर। मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार ने नया इतिहास रच दिया है, जिसके तहत बिहार ने 21,325 टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों में अपनी जगह बना ली है। बिहार से पहले ओडिशा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। जानकारों की माने तो बिहार उत्पादन के मामले में भले ही तीसरे स्थान पर आया है, लेकिन ओडिशा और महाराष्ट्र से उत्पादकता दर में महज चंद फासले पर है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में मशरूम उत्पादन 22,500 टन हुआ है, वहीं महाराष्ट्र में 22,000 टन उत्पादन देखने को मिला है, जो कि बिहार से अधिक ज्यादा नहीं है। इस बाबत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम ने बताया कि बिहार में 30 सालों से अधिक का सफर तय किया है। सभी जिलों में मशरूम क्षेत्र में हुए विकास ने राज्य में इसके कारोबार को 4000 करोड़ से 5000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बाढ़ के प्रभाव को कम करने की होगी तैयारी। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग की संस्थान बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र पटना सहित मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो आंकड़ों का विश्लेषण कर अगले 72 घंटे का सटीक पूर्वानुमान जारी कर रहा है। खबरों की माने तो ड्रोन का इस्तेमाल बाढ़ के दौरान तटबंधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग में किया जाएगा। इसके अलावा विभाग की तरफ से बिहार की 10 नदियों के किनारे स्थित कुल मिलाकर 41 गेज स्टेशन पर जलस्तर और डिस्चार्ज के अद्यतन आंकड़े प्रतिदिन नोट किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटे तक अत्यंत सटीक पूर्वानुमान मिलने से सुविधा होती है। हालांकि पिछले साल में बारिश के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस बाबत जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभाग की तरफ से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वेब मीडिया को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन। नीतीश सरकार अब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तर्ज पर वेब मीडिया को विज्ञापन देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कैबिनेट ने बीते दिन वेब मीडिया नीति 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है। बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी गई है। नई नियमावली में वेब मीडिया को 5 कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसके तहत समूह क में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर प्रतिमा रखा गया है। इसके साथ ही सबसे क्रम प्रतिमा 50 से 1.5 लाख यूजर का कैटेगरी रखा गया है, जो कि ड कैटेगरी है। जानकारों की माने तो विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीति, योजनाओं और कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया को सूचीबद्ध करने और इन पर विज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नियुक्तियों का स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार के कोविड 19 के माहौल में धरातल पर नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकार पूर्व में की गई गलतियों को दोबारा दोहराने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में लगभग 30,000 नियुक्ति होने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि विभाग की तरफ से विभिन्न स्तर पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। साल 21-22 में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएंगी। ने आगे बताया कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की आवश्यकता है। इसी क्रम में 6,338 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, जीएनएम 4,671 और एएनएम 9,233 की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश बैठक में लिया गया है। पप्पू यादव के बाहर आने के फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले को लेकर 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पप्पू यादव को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पप्पू यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, जिसके तहत मधेपुरा सेशन कोर्ट ने मंगलवार को उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद पप्पू यादव के पास हाईकोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। लेकिन हाईकोर्ट में 20 जून तक गर्मी की छुट्टी चल रही है और पहली बार पटना हाईकोर्ट ने इस दौरान जमानत की अर्जी लगाने पर रोक लगा दी है। इससे माना जा रहा है कि पप्पू यादव को बाहर आने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 32 साल पुराने मामले में मधेपुरा में उदा किशनगंज के कुमारखंड थाने में 1989 में अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पप्पू यादव को अभियुक्त बनाया गया था, जिसके तहत जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हम बहुत आगे जाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 11 सूत्री कार्यक्रम चलाए जाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हाल ही में ट्वीट किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 सूत्री कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हम सभी का बुनियादी दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें। जल और हरियाली के बीच जीवन है, जल और हरियाली है तभी जीवन है। हम सब आगे मिलकर चलेंगे तो पर्यावरण संकट में कमी आएगी। बिहार के शहरों में भी चलाया जाएगा टीकाकरण एक्सप्रेस। बिहार के शहरों में टीकाकरण एक्सप्रेस चलाने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो टीकाकरण की रफ्तार को और गति देने के लिए अब शहरी क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में भिक्षुक से लेकर के रिक्शा चालक की पहचान कर टीका लगाया जाएगा। राज्य में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए चलाई गई टीका एक्सप्रेस रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव-गांव तक टीकाकरण के लिए टीकाकरण एक्सप्रेस वैन भेजी गई है, लेकिन अब तक उसके अपेक्षित परिणाम नहीं देखने को मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब शहरी क्षेत्रों में टीका अभियान को तेज करने की पहल कर रहा है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यावृत ने दी है। डीआईजी मनु महाराज की फेक फेसबुक अकाउंट से लड़कियों से चैटिंग करने वाला हुआ गिरफ्तार। फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के इस युग में फेक प्रोफाइल बनाना एक आम बात हो गई है। इसी क्रम में हाल ही में डीआईजी मनु महाराज के नाम पर फेक फेसबुक आईडी बनाई गई थी। यह मामला बिहार के छपरा का है, जहां पर सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज के साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, जिसकी जानकारी मिलने के तुरंत बाद मनु महाराज ने एक्शन लिया, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने लड़कियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर की जांच की तो ट्रू कॉलर ऐप पर पता चला कि आरोपी ने मनु महाराज नाम के फेक प्रोफाइल को बनाया हुआ था। साथ ही फेसबुक और अन्य सोशल साइट पर भी वो मनु महाराज का नाम इस्तेमाल करके लोगों से ठगी कर रहा था, जिसके बाद डीआईजी के आदेश पर आईटी सेल ने इसका पता लगाया और गरखा से आरोपी मनु कुमार यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ में आरोपी ने फिलहाल पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के टीकाकरण को लेकर हाईकोर्ट ने पूछे सवाल। पटना हाईकोर्ट ने 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के टीकाकरण को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोविड-19 टीकाकरण के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने इस दौरान पूछा कि 18 साल से और इससे अधिक उम्र वालों को कितने वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है। बिहार में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे गए हैं, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 3 जून को होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मंगलवार को कोर्ट में मरीजों के शव को गंगा में बहाने के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार से सवाल भी पूछे गए। बिहार में बैंकों की खुलने के समय में की गई कटौती। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक बार फिर से बिहार में बैंकों के खोलने के समय में कटौती कर दी गई है। इसके तहत अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक का काम होगा। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दे दी है। कमेटी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण बैंक कर्मी काफी ज्यादा दहशत में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले महीने ही ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार राज्य कमेटी और BPBEA ने बिहार सरकार और SLBC से अनुरोध किया था कि बैंकिंग कार्यकाल 10 बजे से 4 बजे तक के बजाय 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाए। इसके अलावा 50% स्टाफ से रोटेशन के आधार पर शाखा संचालन किए जाने का भी अनुरोध किया गया था। बिहार पुलिस ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर लगाई रोक। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को बेवजह मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने DGP के निर्देश पर बीते दिन आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य के दौरान किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग न करे। अगर बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की प्रति सभी जिलों के SP को भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान इन्हें सजग रहना पड़ता है, मगर ऐसे कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहां पर पुलिस पदाधिकारी और कर्मी कर्तव्य के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ही अब सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की सभी छुट्टी 15 जून तक हुई रद्द। कोविड-19 के वर्तमान माहौल को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने फिर से सभी चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के सभी प्रकार की छुट्टियों को 15 जून तक रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि कोविड-19 के अप्रत्याशित रूप से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष चौकसी की आवश्यकता को देखते हुए सभी चिकित्सा पदाधिकारी संविदा नियोजित सहित चिकित्सा पदाधिकारियों से लेकर निदेशक प्रमुख मेडिकल कॉलेज के प्रचार अधीक्षक से लेकर जूनियर रेजिडेंट सहित वरिष्ठ चिकित्सा संस्थान तथा राज्य के सभी स्वास्थ्यकर्मी पारामेडिकल GNM ANM OT असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन सहित सभी चतुर्थवर्गीय कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पूर्व में निर्गत आदेश को 15 जून तक विस्तारित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया टास्क। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों की मेंटेनेंस को लेकर इंजीनियर को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सड़कों का बेहतर निर्माण करने के साथ साथ उनका ठीक ढंग से रखरखाव करना भी हम लोगों का उद्देश्य है। सड़कों के मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से हो, इसको लेकर पथों का मेंटेनेंस विभाग द्वारा करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पथों के 5 वर्षीय मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संवेदकों को दी गई है उनकी भी निगरानी की जाए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई रद्द। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा के फैसले को रद्द कर दिया गया है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन और शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 12वीं कक्षा की CBSE परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पीएम ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों को ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद 12वीं के परिणाम को समयबद्ध तरीके से अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार संकलित करने के लिए कदम उठाया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव से पूछे सवाल। बिहार में माहौल जो भी हो, राजनीतिक पारा हमेशा ऊपर रहता है। बयानबाजियों के दौर में बीते दिन सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन लालू प्रसाद यादव की सालगिरह के मौके पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए सहरसा और कुछ अन्य स्थानों पर जो रेफरल अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए थे, वो उनकी पत्नी राबड़ी देवी के कार्यकाल में ही क्यों जर्जर होकर बंद हो गए। इस लूट का खामियाजा गरीब मजदूर और महादलित समुदाय के उन मरीजों को भुगतना पड़ा जो सरकारी अस्पतालों पर आश्रित थे। लालू राज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा के कारण महीने में औसतन 39 मरीज आते थे, यानी वहां रोजाना केवल एक आदमी पहुंचता था। दूसरी तरफ एनडीए की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया है। हरियाणा मिशन को लेकर राजद ने किया पलटवार। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने हाल ही में हरियाणा मिशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से 22 करोड़ पौधारोपण का दावा पूरी तरीके से कागजी है, जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह दावा किया गया है कि 2012 में शुरू किए गए हरियाणा मिशन के तहत बिहार में 22 करोड़ पौधारोपण किया गया। इसके बाद फिर 9 अगस्त 2020 को यानी कि पृथ्वी दिवस के दिन 2.5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 3.47 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। यह सारे दावे केवल कागजी हैं। हरियाणा मिशन के नाम पर जबरदस्त लूट हुई और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसके तहत उन्होंने योजनाओं का समन्वित रूप से जांच कराने की मांग की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2005 भारत रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन आज के दिन समाप्त हुआ। 2011 में भारत सरकार ने राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण की मंजूरी आज के दिन दी थी। 1987 में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज के दिन हुआ था। 1956 में तमिल और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन फिल्मकारों में शुमार मणि रत्नम का जन्म हुआ। 1988 में बॉलीवुड के महान अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शोमैन राज कपूर ने दुनिया को आज के दिन अलविदा कहा था। श्रीलंका दौरे से पहले ही भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। 20 मई को उनके पिता के दुनिया के अलविदा कहने के बाद परिवार पर कोविड-19 का कहर बनकर टूट गया है। खबरों की माने तो सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज और उनकी पत्नी नुपुर कोविड-19 से संक्रमित होने के लक्षणों को महसूस करने के बाद एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने घर में क्वारंटीन में है। वहीं उनकी माता इंद्रेश देवी को ऑक्सीजन की कमी के चलते गढ़ रोड स्थित अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार और उनकी पत्नी और बहन रेखा में कोविड-19 के लक्षण फिलहाल कम देखने को मिले हैं। इसके कारण उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बताया गया है। ऐसे में अगले महीने टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर जा रही है, लेकिन अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,900 रुपए, वहीं इसके साथ 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,900 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 72,600 रुपए था। इसके साथ ही बिहार में पेट्रोल की कीमत 96.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.81 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, प्रद्युमन, अमित, नीतीश कुमार, शंकर मुखिया, रविंद्र पासवान, मनीष कुमार, प्रीति यदुवंशी, बबिता यादव, विकास चौहान, अमरजीत पंजीयर, नंदन कुमार, नंदलाल कुमार, दयालु यादव, आनंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है।
आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।